हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टेक्निकल सपोर्ट पर्पस। और दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज मैं फिर से जाने वाला था हिडन प्लेस यानी कि स्पॉन आइलैंड। अभी मजा आएगा ना वीडियो। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि लाइव स्ट्रीम में करता रहता हूँ, तो आप में से ना बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गौरव भैया स्पॉन जाओ स्पॉन जाओ। तो भाई मेरे को भी काफी ज्यादा याद आती है, भाई स्पॉन नहीं गया था मैं काफी टाइम से, और भाई चैनल पे भी कोई वीडियो नहीं डालती मैंने स्पॉन की। तो मैंने कहा चलो भाई आज फाइनली जो है स्पॉन चलते हैं और हिडन प्लेस पर अपने जाके चेक करते हैं कि मुझे फ्लेयर गन मिलती है नहीं मिलती है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके बता रहे थे कि भाई स्पॉन पे आजकल दोबारा से फ्लेयर मिलने लगी है। तो मैंने कहा चलो भाई फटाफट से चलते हैं और देखते हैं मेरे को फ्लेयर गन कहाँ मिलती है, कैसे मिलती है, और क्या दोस्तों इस मैच में मैं फ्लेयर गन को ढूंढने के बाद चिकन डर निकाल पाऊंगा, क्या मैं इस मैच में सर्वाइव करा पाऊंगा, ये सारी चीज देखने में आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। अच्छा, अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो प्लेन पाथ था ना भाई वो भी काफी सही बना हुआ था, तो आप देख सकते हैं जो प्लेन पाथ था ना भाई वो लॉलीपॉप से होता हुआ जा रहा था कामेश की यानी कमलेश की तरफ। तो मैंने कहा भाई कमलेश की तरफ जा रहा है, तो फटाफट से हम भी जो अपनी फेवरेट जगह पे मार्क लगाते हैं। और भाई वहाँ पे आपको पता है बोट ऑलमोस्ट 90% चांस होते हैं मिलने के, लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं खेल रहा था मिशन इग्निशन मोड, तो यहाँ पे भाई स्कैम भी होते हैं, तो देख रहा ये था कि मेरे को वहाँ पे बोट आसानी से मिलती है या फिर दोस्तों मेरे को जो है उसके लिए भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे मैं जंप बम मार देता हूँ, और मैंने भाई एक नई ड्रेस पहन रखी थी जैसे कि आप देख सकते हैं पायरेट्स ऑफ कैरेबियन वाली। तो भाई मैं जो है भाई जहाज पे जा रहा हूँ, मतलब भाई बोट पे जा रहा हूँ, तो भैया कपड़े भी चेंज होने चाहिए, इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो मैंने कपड़े चेंज कर लेते और भाई कुछ नए कपड़े पहन लेते। हालांकि ये दोस्तों ये जो है कॉस्ट्यूम थोड़ी थोड़ी लड़की वाली लगती है, लेकिन भाई क्या कर सकते हैं, हम तो एंडी के करेक्टर में खेल रहे थे, तो भाई मैंने एंडी को ही लड़की बना दिया था और भाई मेरे को वो चीज याद आती। अब यहाँ पर दोस्तों क्या कर सकते हैं, भाई जो मैंने पहन लिया था वो तो पहन ही लिया था, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप पैराशूट देख सकते हो भाई कैसा लग रहा है, भाई बहुत अच्छा लग रहा है ना। लेकिन दोस्तों यहाँ पे पैराशूट तो अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों जब मैं आता हूँ ना भाई मेरा पैराशूट वैराशूट सब कुछ खुल जाता है, तो भाई मैं सोचता हूँ बोट रेंडर नहीं हो रही, अभी मिलेगी, लेकिन भैया कभी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर दोस्तों भाई मैं जो सोचता हूँ कि जब कभी नहीं मिलेगी तो एक काम करते हैं, बीजेएमआई वाले तो हमारे साथ स्कैम कर दिया है, लेकिन भाई मेरे सामने कुछ मेरे को यहाँ पे घर दिख रहे थे, तो मैंने कहा चलो भाई इन घर को लूटा पार्टी कर लेते, क्योंकि क्या पता मेरी तरह यहाँ पे कोई नल्ला उतरा हो और भाई दोनों नल्लों की फाइट हो जाए, बढ़िया कि यहाँ पे कुछ मैं ढूंढ ही लूँ और उसके बाद उसको हाथ में गन लेके ही मरूँ, ठीक है एटलीस्ट। तो यहाँ पर दोस्तों भाई मैं जो गन की तलाश में अंदर घुसता हूँ और यहाँ पे मिल जाता है कट्टा, और मैंने कहा भाई जब कट्टा मेरे हाथ में तो चलो यार साथ में, लेकिन भाई ओम प्रकाश मिश्रा भाई नाराज हो जाता है, वो बोलता है भैया कट्टा तेरे साथ में तो भाई ओम प्रकाश मिश्रा भी तेरे साथ में। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे को जो है भाई शॉट लगाने वाली शॉट गन पकड़ा देता और यहाँ पर दोस्तों फिर मैं जो आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पे इस लैटरिन में मेरे को लेवल 2 का टोपा भी मिल जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों भाई इतनी लूट काफी थी मेरे लिए, लेकिन फिर मैंने कहा चलो इस घर में भी एक बार झांक लेते हैं क्या मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे को लेवल 1 का बस्ता मिल जाता है और साथ में एक पेप्सी मिल जाती है, तो मैंने कहा चलो भाई अब लूट इनफ है और यहाँ से निकलते हैं और लूटा पार्टी करते हैं। लेकिन दोस्तों बस देखते जाना, मैं अभी जा रहा हूँ और अब मेरे साथ क्या होगा, बस अब आवाजें सुनना अब क्या होगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपने एक चीज नोटिस करी, जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे फायर करा तो उस बंदे की टट्टी निकल गई और भाई वो चूरन की स्पीड में ऐसा भाग जाता है, बोलता है अरे भैया रैंक पुश कर रहा हूँ मेरी टट्टी निकल जाएगी, अरे तो मार देगा भैया माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों भाई वो बिल्कुल भी फायर नहीं करता और भाई वो पता नहीं क्या कर रहा था, भाई ट्रेन के अंदर बैठ के झूला झूल रहा था, लगता है भाई बीजेएमआई खेले नहीं आया, भाई वो झूला झूलने आया ट्रेन में। तो यहाँ पर दोस्तों भाई वो जो इतनी दूर से कट्टा मारते हुआ था टक 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 टक, लेकिन भाई उसने जब असली कट्टे वाले को देखा ना कि उसने देखा भैया इसके हाथ में तो कट्टा, और इसको तो पता है कि भाई मैं जब भी कट्टा लेता हूँ तो मैं बोलता हूँ कट्टा मेरे हाथ में चलो यार साथ में डरने की क्या बात है। तो भाई वो मेरे को देख के भाई भाग गया। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है वो तो भाग जाता, लेकिन मेरी तलाश जारी थी क्योंकि मेरे को गाड़ी ढूंढनी थी और मुझे जानता स्पॉन आइलैंड। अब यहाँ पर दोस्तों भाई मैं कमलेश की तरफ भागते जाता हूँ ढूंढ ढूंढ करते हुए, और मुझे सामने जाती है एक बागड़ी। तो यहाँ पे दोस्तों भाई मैं फटाफट से इस बागड़ी में बैठ जाता हूँ और सारे पी जाता हूँ राबड़ी, और भाई यहाँ से धूम मचाते हुए फटाफट से निकल जाता हूँ स्पॉन के लिए। अब यहाँ पे दोस्तों भैया जो है भाई बग्गी लेके कामेशकी के यानी कमलेशकी के पास में आ जाता हूँ भाई पीछे वाली साइड में। तो यहाँ पे भी दोस्तों पहले मेरे को बोट नहीं दिखती, लेकिन भाई फाइनली मेरे को यहाँ पे दो बोट दिख जाती है, एक तो भाई वो छोटी वाली जेट वाली होती है, तो मैंने कहा उसमें तो कौन नहीं जाएगा। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है मैं देखता हूँ ये वाली मेरे को जो बोट दिखी है ना, मैं बस यही उम्मीद कर रहा था कि भाई इसमें जो है ना आधे से ज्यादा पेट्रोल है ताकि मैं जो अपनी बूस्ट वाली पावर यूज कर सकूँ। तो यहाँ पर दोस्तों भाई जैसे मैं ड्राइव पर देखता हूँ भाई दबा के, तो मैं देखता हूँ भाई काफी सारा जो है भाई पेट्रोल है, तो मैंने भाई यहाँ पे फटाफट से जो है बूस्ट का बटन दबाया, क्योंकि आपको तो पता है बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी। तो यहाँ पर दोस्तों मैं फटाफट से भाई बूस्ट का बटन दबाता हूँ और धूम साथ में निकल जाता हूं चूरन की स्पीड में सीधा के सीधा स्पॉन आइलैंड। बता ले
अब यहाँ पे दोस्तों जैसे मैं बोट रोकता हूँ ना तो आप सारे हैरान हो गए होंगे कि भाई गौरव भाई आज आप बैक साइड से कैसे जा रहे हो। मतलब दोस्तों आपने हमेशा देखा होगा मैं फ्रंट साइड से स्पॉटेड जाता हूँ, लेकिन मैंने कहा चलो आज कुछ तूफानी करते हैं और भाई यहाँ से जो है बैक साइड से लूटते हैं। अब फिलहाल तो यहाँ पे जो है जब भी मैं बोट रोकता हूँ ना तो मैं जो है भाई मेन जो है पहले लूटता हूँ वो केव और फिर राम रहीम की गुफा। लेकिन मैंने कहा चलो आज पूरा सबसे अलग करते हैं और आज सबसे पहले जहाँ मैं लास्ट में लूटता हूँ ना आज सबसे पहले वहीं लूटते हैं। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे मैं आता हूँ और भाई आते मेरे को बम्बानी तक किया और साथ में सीएनजी मिल जाती है जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। अब फिलहाल दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूँ और यहाँ पे मेरे को दोबारा से जो एक और ओम प्रकाश मिश्रा मिलता है, पट्टी मिल जाती है और M416 गॉड गन। Yes! तो मैं काफी ज्यादा खुश होता हूँ और भाई फटाफट से ऊपर का मिश्रा को फेंक के मारता हूँ और यहाँ पे कमलेश की जितनी भी हरी वाली गोली होती है ना सब उठाता हूँ। अब फिलहाल यहाँ पे जो है मेरे को छोटी 14 भी दिख रही थी और साथ में दोस्तों यहाँ पे जो मेरे को लेवल 3 का जो मुखोटा मिला था ना तो भाई वो एकदम सोने का मुखोटा जैसे कम नहीं था भाई। आप देख सकते हो पूरा हेलमेट जो है बिल्कुल सोने की तरह चमक रहा था। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है मैंने ड्रेस की मैचिंग के लिए भाई ये पहना था। तो यहाँ पर दोस्तों ये वाली बिल्डिंग को मैं अच्छी तरह लूट लेता हूँ और उसमें से यहाँ पे जो है मेरे को एक एक्सटेंड भी मिल जाता है अपनी M416 गॉडगन के लिए। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ और चेक करता हूँ कि मेरे को फ्लेयर गन मिलती है नहीं मिलती है। अब फिलहाल यहाँ पे जो है ना मेरे को लग रहा था कि भाई क्या पता मेरे को 3-4 फ्लेयर गन मिल जाए, लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखना ये था कि मुझे कितनी फ्लेयर गन मिलने वाली है। अब यहाँ पे दोस्तों भाई मैं जो है छोटे मोटे वाले गैराज में आता हूँ और भाई यहाँ पे जो मेरे को काली टॉर्च मिल जाती है और एक लाइट ग्रिप मिल जाती है और साथ में लेवल 2 का कवच मिल जाता है। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो मैं आगे बढ़ता हूँ और यहाँ पे दोस्तों चेक करता हूँ कि क्या मेरे को यहाँ पे फ्लेयर गन मिलेगी, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो है भाई टॉमी गन पड़ी होती है और मेरे को पता था कि यार मेरे को आगे जाके ना कोई ढंग की गन मिली जाएगी। अब फिलहाल दोस्तों आप देख सकते हो भाई पीछे एक और M4 पड़ी थी। तो भाई यहाँ पे दोस्तों मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि भाई लूट के मामले में एक नंबर जगह है। अब फिलहाल मेरे को आगे जाके एक कार का 98 दिख जाता है। अब मैंने कहा भाई कार का 98 जरूर उठाऊंगा क्योंकि भाई सोलो में ना स्नाइपर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई सोलो में अगर स्नाइपर आपको मिले तो भाई जरूर उठाना, ये मत सोचना कि भाई स्नाइपर क्या क्या करूंगा, ठीक है मैं तो AR वाला बंदा हूं। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत ज्यादा काम आती है। फिलहाल दोस्तों आगे जाके मेरे को यहाँ पे 6X भी मिल जाता है और आपको तो पता है M416 का गॉड गन में 6X मिलने के बाद तो भाई वो तबाही हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों भाई मैं फटाफट से अपनी M416 का गॉड गन में 6X लगाता हूँ और भाई उसको वापस से सेट कर लेता हूँ। अब फिलहाल दोस्तों उसको सेट वेट करने के बाद मैं वापस से लूटा पार्टी करता हूँ और यहाँ पे दोस्तों मेरे को थोड़ा पट्टियाँ वट्टियाँ मिल रही होती है, साथ में दोस्तों यहाँ पे मेरे को एक पेप्सी मिल जाती है। अब यहाँ पर दोस्तों भाई मेरे को धड़कने तेज होने वाली थी क्योंकि भाई मेरे को लग रहा था कि यार फ्लेयर गन तो मिल ही नहीं रही पे और भाई जोन भी आने वाला था और जोन आ जाता है और भाई ले लेता मेरी पप्पी तो मेरी ना निकल जाए टट्टी। तो दोस्तों मैं जो है भाई फटाफट से भागते हुए कमलेश की स्पीड में जाता हूँ फटाफट से भागते हुए इस वाली बिल्डिंग की तरफ और यहाँ पर दोस्तों भाई ढूंढ ढूंढ करते सोचता हूँ पहले नीचे वाली बिल्डिंग लूटते हैं, फिर मेरा दिमाग चलता है कि चलो भाई पहले आज छत लूट लेते हैं क्या पता यहाँ पे मेरे को फ्लेयर गन मिल जाए। अब यहाँ पर दोस्तों भाई मैं छत पे आता हूँ तो मेरे को एक और 6X मिल जाता है जो कि मेरे को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि मेरे को बार बार वो क्विक स्कोप से स्कोप स्विच ना करना पड़े। और यहाँ पर दोस्तों आगे जाकर मेरे को काली स्प्रिंग भी मिल जाती है जो कि भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ में टेक्सटॉक भी मिल जाता है, मतलब आपको तो पता है भाई वो भी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और भाई आगे जाके करोना का काड़ा मिल जाता है, ठीक है तो मैंने कहा चलो भाई ये भी सही है, कड़वा कड़वा काड़ा फेंक के मारूंगा किसी को पर। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने जो है भैरल उठाई पीछे आपने देखी होगी क्योंकि भाई एक स्नाइपर रखनी थी। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो मैं आगे बढ़ता हूँ और चेक करता हूँ कहाँ है फ्लेयर गन, कहाँ है फ्लेयर गन। अब फिलहाल दोस्तों मेरे को एक और सीएनजी दिख जाती है जिसकी मेरे को जरूरत नहीं थी बिल्कुल भी, लेकिन भाई मेरे को जो तलाश थी ना भाई वो फ्लेयर गन की थी, लेकिन भाई यहाँ पे मिली नहीं होती तो मैं सोचता हूँ यार लगता है भाई फ्लेयर गन नहीं मिलेगी और भाई मेरे साथ स्कैम हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों इतनी मेहनत से आया था तो मुझे पता था स्पॉनलेट जो है ना मेरे को धोखा नहीं दे सकता है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो मेरे को 8X भी मिल जाता है मैं काफी ज्यादा खुश होता हूँ, मैंने कहा चलो भाई मजा आ गया और यहाँ पर दोस्तों मैं 6X फेंक देता हूँ क्योंकि भाई 2-2 6X क्या करूँगा। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो मेरे को तकिया वकिया मिल रहा होता है, हेल्थ वेल्थ सही मिल रही होती है, मतलब ठीक है सब कुछ मिल रहा होता है बढ़िया एक नंबर लूट, लेकिन भाई फ्लेयर नहीं मिली होती है। तो भाई मैं ढूंढने की जा रही तलाश में रहता हूं और भाई आगे बढ़ता हूं मेरे को दिख जाती है फ्लेयर गन। हम टोटल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और भाई यहाँ पे दोस्तों जैसे मेरे को भाई ये फ्लेयर गन मिलती है ना मैं काफी ज्यादा खुश होता हूँ और मैं बोलता हूँ भाई चलो भाई फाइनली अब AWMMM आएगी और भाई मैं उसको चलाऊंगा, ठीक है तो मेरा भाई यही सपना होता है। और यहाँ पे दोस्तों मैं फटाफट से जो आगे बढ़ता हूँ और लूट जारी करता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों भाई मैं जो है पूरी ये बिल्डिंग लूट लेता हूँ और भाई इसके अंदर सही में बहुत तगड़ी लूट थी, मतलब आपने देखा होगा भाई एक और 6X पड़ा था एक और 4X पड़ा था। और यहाँ से दोस्तों मैं सीधा आता हूँ इस अंडे वाले घर में, तो मैंने कहा चलो भाई इस फटाफट से इस अंडे वाले घर को लूटते हैं और इसके अंदर देखते हैं क्या मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों भाई अंडे वाले घर में मेरा बहुत ज्यादा हाई चांस होते हैं फ्लेयर गन मिलने के, तो दोस्तों मेरे को उम्मीद थी कि क्या पता मुझे यहाँ पे भी एक और फ्लेयर गन मिल जाए। तो यहाँ पर दोस्तों मैं अपनी गंदी दिखाता हूँ और भाई कूड़ा वूडा बीनने के लिए यहाँ पे आ जाता हूँ। अब यहाँ पर मेरे को एक पैन मिलता है जिससे मैंने कहा चलो भाई बंदों का ऑमलेट बनाऊंगा, ठीक है मतलब मार मार के भाई उनका ऑमलेट ऑमलेट बना देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों भाई मैं जो फटाफट से आगे बढ़ता हूँ और भाई यहाँ पे भी दोस्तों मेरे को एक तकिया वकिया मिल जाता है और जिसकी मेरे को बहुत ज्यादा जरूरत थी भाई क्योंकि आपको पता है भाई जोन से खेल रहा हूँ भाई। तो यहाँ पर दोस्तों भाई मैं जो फटाफट से भाई देखता हूँ कि यहाँ पे मुझे कुछ नहीं मिला, तो यहाँ पर दोस्तों मैं लगाता हूँ तकिया ताकि ना टूट जाए मेरी हड्डियाँ क्योंकि भाई जोन जो है मेरी हड्डियाँ गला देगा भाई, क्योंकि जिस हिसाब से करंट मार रहा था ना तो हिसाब से भाई मेरे को पता था कि मैं ज्यादा से टिक नहीं पाऊंगा इधर। तो यहाँ पर दोस्तों मैं फटाफट से एक मरिंडा पी लेता हूँ ताकि भाई थोड़ी बहुत राहत मिले साथ साथ में मेरे को, और आपको तो पता है बूस्ट जैसी एनर्जी। तो यहाँ पर दोस्तों भाई मेरी थोड़ी बहुत स्पीड भी तेज हो जाती है भाई मरिंडा पीने के बाद।
और फिर दोस्तों यहाँ पे जो है भाई मैं निकल के आता हूँ सीधा राम रहीम की गुफा में, और मैंने कहा चलो भाई गुफा में चेक कर रहे थे कि भाई यहाँ पे क्या मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं कमलेश की तरह भागते रहता हूँ, डुन 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 करते, और मैं सोचता हूँ कि काश मुझे यहाँ पे फ्लेयर गन मिल जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे भी जो है मेरे को कुछ खास लूट नहीं मिल रही होती, और भाई यहाँ पे तो ग्लिच चल रखा है, मतलब भाई सामान टेलीपोर्ट ठीक से होता ही नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं इसलिए रीचेकिंग के लिए अच्छी तरीके से लूटा पार्टी करता हूँ, और यहाँ पे दोस्तों बस मेरे को एक तकिया मिल जाता है जो कि मेरे को बहुत ज्यादा जरूरत था। अब यहाँ पर तो भाई राम रहीम की गुफा में भी लूट लेता हूँ, तो मैंने कहा चलो भाई लास्ट केव को लूटते हैं और भाई फटाफट से यहाँ से निकलते हैं। तो यहाँ पर तो भाई लास्ट वाली केव में आता हूँ, और भाई इसमें भी दोस्तों यहाँ पे जो है कई बार बहुत रेयर चांस होते हैं, लेकिन यहाँ पे भी आपको फ्लेयर गन मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों भाई मेरे को सिर्फ कमलेश की हरी वाली गोली दिखती है, काली स्प्रिंग दिखती है, मतलब चीजें दिखती है, लेकिन भाई कुछ ऐसा खास कुछ दिखा नहीं जो मैं उठा सकूँ। तो यहाँ पर तो मैंने डिसाइड करा चलो भाई फटाफट से अब जो है पीछे की तरफ में चलते हैं वापस, क्योंकि वही मेरी बोट खड़ी है। तो यहाँ पर तो मैं कमलेश वाला भाई बोट ऑन करता हूँ और भागते जाता हूँ अपनी बोट की तरफ, और धूम मचाते सीधा निकल जाता हूँ जोन की तरफ, क्योंकि भाई मेरे को फ्लेयर गन भी चलानी थी। अब यहाँ पर तो भाई मैं जमीन पे तो आ जाता हूँ भाई बोट से, मतलब ठीक है बोट के सारे से। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो प्रॉब्लम ये थी कि अब मुझे गाड़ी ढूंढनी थी, और भाई यहाँ पर दोस्तों आसपास कोई भी गाड़ी नहीं थी, और भाई मैं इस साइड इसलिए आया था क्योंकि भाई ये जमीन के ज्यादा पास में थी, अगर मैं पीछे जाता ना सवरनी की साइड से तो यहाँ पर दोस्तों भाई मेरे को जो है आधा जोन में मतलब घूमना पड़ता। तो यहाँ पर दोस्तों भाई मैं फटाफट से आ तो जाता हूँ जोन में, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है मेरी भाई धड़कने थोड़ी सी तेज हो गई थी, क्योंकि भाई जोन काफी ज्यादा तेजी जा रहा था, और भाई मेरे पास जो है मतलब टाइम नहीं था कि भाई मैं जो है मतलब ज्यादा इधर उधर टहलूँ। इसलिए दोस्तों भाई मैं सीधा रोड की तरफ भागता हूँ कमलेश बोर्ड ऑन करके, और भाई निकल जाता हूँ गाड़ी की तलाश में। अब यहाँ पर तो भाई कमलेश की तरफ भागते हो, फाइनली मेरे को जो है यहाँ पे एक सोड़ी की जीप दिख जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं फटाफट से एक पेप्सी घूट मारता हूँ और सोड़ी की जीप में बैठता हूँ, और चूरण की स्पीड में धूम मचाते हुए सीधा दोस्तों जोन के अंदर रोकता हूँ, क्योंकि भाई मेरे पास फ्लेयर गन थी तो मेरे को वो भी चलानी थी। अब यहाँ पर तो भाई मैं सोच रहा था एक बार के लिए दोस्तों यहाँ पे जो है मेरा गेम खत्म हो गया, लेकिन भाई मैं किसी तरह बच जाता हूँ, और यहाँ पर दोस्तों भाई मैं फटाफट से दोबारा से लगाता हूँ तकिया ताकि ना टूट जाए मेरी हड्डियाँ। और भाई यहाँ पर दोस्तों मैंने सच में बता रहा हूँ कि सोच लिया था कि भाई गेम खत्म, सीधा मेरे को लिखाएगा कि यू आर एक्सीडेंटली उड़ा दिया मतलब अपने आपको। तो मैंने कहा भाई चलो भाई फटाफट से बच गए। तो यहाँ पर तो मैं फटाफट से भाई वापस से धूम मचाते हुए जोन की तरफ आता हूँ, और आप देख सकते हो भाई जोन में ना काफी पास में था, ठीक है मेरा मतलब जो है एक एरिया। तो मैंने कहा चलो भाई ये वाला जो सर्कल के टच में ना ये भी फ्लेयर गन चला देते, क्योंकि यहाँ पर कोई बंदा भी नहीं आएगा, और अगर आया तो उसकी मैं छोटी रगड़ दूंगा, क्योंकि भाई गंदी ना दिखाने के लिए अगर कोई भी आएगा मेरी फ्लेयर गन पे तो उसको छोड़ूंगा नहीं। अब यहाँ पर तो भाई ये स्क्वाड हाउस जो है बिल्कुल मतलब जोन में भी था और मुझे सेफ भी लग रहा था। तो यहाँ पर तो भाई फटाफट से जो है अपनी फ्लेयर गन को निकालता हूँ, और आओ देखो रहा ताओ देखो AWWM AWWM। तो यहाँ पर तो भाई मैं ये बोल के भाई कोडवर्ड और भाई भाग जाता हूँ। अब यहाँ पर तो भाई ये जो है ना भाई मैंने कोडवर्ड तो डाल दिया था, लेकिन दोस्तों आपको तो पता है मैं हमेशा जो है लाल कोलगेट चलाता हूँ, लेकिन दोस्तों इस बार जो है आसमान में मैंने नीली कोलगेट छोड़ी थी। तो यहाँ पर दोस्तों ये कोडवर्ड काम करेगा या नहीं करेगा इसके लिए दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ कह नहीं सकता था। तो यहाँ पर तो मैंने सोचा कि भाई चलो भाई AWWM आएगी तो चलाऊंगा और मजा आएगा, लेकिन यहाँ पे दोस्तों बस आप देखते जाना मेरे साथ क्या स्कैम होने वाला है। अब यहाँ पर तो भाई मैं पेप्सी वेप्सी पी के भाई मजे ले रहा हूँ, और भाई अपने ड्रॉप का इंतजार कर रहा हूँ ताकि कोई गंदी ना दिखाने आए तो उसका टकला फोड़ दूँ। तो यहाँ पर तो भाई इसलिए मैं जो है इसके ऊपर चढ़ जाता हूँ ताकि और अच्छे से एंगल ले सकूँ और बंदे को मार सकूँ अगर कोई भी मेरी ड्रॉप पे आएगा गंदी ना दिखाने के लिए। अब यहाँ पे तो जैसे मेरा ड्रॉप आता है तो मैं देखता हूँ भाई वो थोड़ा खाई के नीचे आ चुका है। तो यहाँ पे तो मैं अपनी सोड़ी वाली जीप लेता हूँ और भाई तब लूटने जाता हूँ ताकि भाई मेरे को थोड़ा बहुत कवर मिल सके अगर कोई मेरे ऊपर फायर वायर करते दूर से। तो यहाँ पे तो मैं ज्यादा एक्साइटेड होता हूँ और भाई जैसे डब्बा खोलता हूँ तो इसके अंदर यहाँ से निकलती है मेरा कमलेश 14 और घर जा। तो भाई मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, पेमेंट वाले लिया पूरा और काम नहीं किया हमारा। और यहाँ पर तो भाई मैं धूम मचाते स्टूडेंट की स्पीड में निकल जाता हूँ और मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मैंने कहा यार क्या हो गया यार, पूरा का पूरा मतलब पेमेंट वाला ले लिया और काम नहीं किया जादू हमारा। तो यहाँ पर तो भाई गुस्सा तो मेरे को बहुत ज्यादा आता है, फिर मैंने कहा क्या कर सकते हैं भाई अब नहीं मिला। तो यहाँ पर तो मैंने सोचा क्या करूँ भाई AWWM तो चाहिए मेरे को, क्योंकि भाई मेरे को डायनो बन के पड़ते हेडशॉट बंदों को मार रहे थे। तो यहाँ पर तो भाई मेरे को फाइनली ना आगे जाके एक सरकारी ड्रॉप दिख जाता है, तो मैंने कहा आज नहीं छोड़ूंगा क्योंकि सरकारी ड्रॉप और सरकारी जॉब कोई छोड़ता नहीं है। तो मैंने कहा भाई गंदी दिखा दूंगा और भाई आज सरकारी ड्रॉप को लूट के रहूंगा। तो यहाँ पर तो मैं चूरण की छोटे भागता हूँ और इस सरकारी ड्रॉप को लूटने के लिए ना बस आप देखते जाना मैं क्या गंदी दिखाऊंगा। अब यहाँ पर तो भाई मैं पहले तो गाड़ी चेंज करता हूँ, लेकिन देखता हूँ ये सोड़े की जीप में तो पेट्रोल ही नहीं है। तो यहाँ पर तो मेरे को वापस से भाई ओपन वाली सोड़े की जीप लेनी पड़ती है। और यहाँ पर तो मेरे को फाइनली दिख जाती है एक तसला। अब यहाँ पर तो जैसे मेरे को तसला दिखती है तो आप देख सकते हैं मेरे को सरकारी ड्रॉप पे दिख चुका जिसकी मैं बात कर रहा था। तो यहाँ पर तो मैं अपनी तसला में बैठता हूँ और भाई धूम मचाते हुए निकल जाता हूँ सीधा उस सरकारी ड्रॉप को लूटने के लिए।
अब यहाँ पर सुबह में फटाफट से भाई तसला रोकता हूँ और भाई जैसे ड्रॉप खोलता हूँ तो मैं देखता हूँ गिर लूंगी AW यम 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 हम टोटल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। तो भाई मैं दोनों चीज ढालता हूँ और भाई मैं बहुत ज्यादा खुश होता हूँ। मैंने कहा भाई चलो भाई गिली लूंगी मिलगी तो अब मैं सबके घर दूंगा ढीली लूंगी और AWWMM तो मिल चुकी है आपको पता है। और भाई सोलो में AWWMM ना भाई बेस्ट गन है, बेस्ट मतलब भाई मैं आपको बता नहीं सकता हूँ भाई कितनी ज्यादा बेस्ट गन है। बस आप देखते जाना इस मैच में मैं उसको कैसे यूज करने वाला हूँ। अब फिलहाल तो यहाँ पे जो है मेरे एक भी किल नहीं था तो मैंने कहा चलो अब जो है खाता वाता खोलते थोड़ा बहुत ठीक है, क्योंकि भैया जीरो पर जो है नॉकआउट नहीं होना मेरे को ठीक है, मतलब आउट होकर नहीं जा रहा पवेलियन। तो भाई अब जो है बंदे तो मारूंगा, अब यहाँ पर तो गेस आपको करना है मैं कितने बंदे मारने वाला हूँ और मैं क्या इस मैच में चिकन डर निकाल पाऊंगा या नहीं निकाल पाऊंगा वो आपको अभी से कमेंट में बताना है। अब फिलहाल तो यहाँ पे जो मैं अपनी तसला वसला उठाता हूँ और मेरे को सामने दिखती है मजदूरों की फैक्ट्री, तो मैंने कहा यार कहाँ पे बंदे आएंगे कहाँ पे बंदे आएंगे, तो मैंने कहा यार चलो डिसाइड करते हैं और यहीं पे रुक जाते हैं ठीक है। और यहाँ पर तो भाई मैं फटाफट से रुकता हूँ, मेरे को लगता है यहाँ पे आसपास कोई ऑलरेडी बंदा होगा, लेकिन भाई यहाँ पे ऑलरेडी बंदा तो नहीं होता है लेकिन सामने से एक डासिया वाला होता है जो कि भाई भाग रहा होता है। तो मैंने कहा चलो इसको पकड़ते हैं, क्या पता भाई ये हाथ वाथ में आ जाए और किल विल मिल जाए, मेरा पहला खाता वाता खुल जाए। लेकिन भाई वो बंदा भाई चूरन की स्पीड में निकल जाता है जैसे कि आप देख सकते हो। अब यहाँ पर तो जैसे ही वो निकलता है तो मैंने कहा चलो भाई एक काम करते कोई और पकड़ते हैं, तो यहाँ पर तो मैंने कहा चलो भाई वो तो निकल गया है कोई और देखते हैं। तो यहाँ पर तो भाई मैं आगे बढ़ता हूँ, थोड़ी बहुत लूटा पार्टी करता हूँ और भाई जैसे लूटा पार्टी करता हूँ तो एक और बंदा देखता है, बस आप देखते जाना। अब यहाँ पर तो मैं आता हूँ कि स्विच विच के पास में, तो यहाँ पे दोस्तों मेरे को इकोनॉमी वाली ग्रिप मिल जाती है, तो मैंने कहा चलो भाई आपको तो पता है बेस्ट ग्रिप है ये। तो यहाँ पर तो जैसे मैं इसको उठाता हूँ तो आप देख सकते गाड़ी के निशान है, मैंने कहा यहाँ पे फिर से बंदा आ गया तो चलो इसको पकड़ते हैं। लेकिन भाई ये वाला बंदा भी जो रुकने को तैयार नहीं था, मैंने कहा भैया कोई तो रुक जाओ मेरा खाता तो खुलवा दो, लेकिन भाई कोई भी मेरा खाता खुलवाने को तैयार नहीं था, सब कह रहे थे बैंक जा वहाँ खुलवा खाता, अच्छा हम नहीं खुलवा रहे तेरा खाता। तो यहाँ पर तो मैंने कहा भाई ये लोग तो मेरा खाता नहीं खुलवाएंगे, एक काम करता हूँ यहाँ से एक काम करता हूँ कि मतलब वो जो हिडन प्लेस मैंने आप लोगों को बताया ना वहाँ चढ़ जाता हूँ और कैम्प करता हूँ, जो भी बंदा आएगा उसकी चोटी रगड़ दूंगा और भाई वो भी सरप्राइज हो जाएगा कि मेरे को कहाँ से मारा। तो यहाँ पर तो बस आप देखते जाना क्या होने वाला है। अब यहाँ पर तो मैंने सोचा भाई हिडन प्लेस में ऊपर चढ़ने से पहले एक काम करता हूँ अपनी तसला को सेव कर देता हूँ ताकि भाई अगर जोन इधर उधर बन जाए तो अपनी तसला को मैं बचा सकूँ। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो इसमें पेट्रोल भरता हूँ पूरा का पूरा ठीक है, CNG फुल मार देता हूँ उसके अंदर, मतलब बैटरी डलती है भाई इसके अंदर, तो बैटरी फ्यूल पैक डाल देता हूँ और यहाँ पर तो अपनी तसला को सेव करके बस खड़ा करता हूँ और आप देखते जाना भाई मेरे को बंदे के दोबारा कैसे मिलने वाला है, मतलब भाई मेरा खाता खुल जाएगा ठीक है, मेरे को बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खाता अभी मेरा बस यहीं खुलेगा, बस आप देखते जाना। अब यहाँ पर तो मैं आगे बढ़ रहा होता हूँ कि चलो भाई ठीक है मजा आ गया, अब अपनी हिडन प्लेस पे जाके छुपूंगा और बंदे मारूंगा। अब लेकिन दोस्तों ऐसा होने देगा कोई, मतलब भाई मैं जैसे देखो अब मैं यहाँ पे चढ़ रहा होता हूँ लेकिन भाई मेरे को बंदे की आवाज आती है और ये जो बंदा होता भाई सीधा गाड़ी लाके ठोक देता भाई मजदूरों की फैक्ट्री में, और यहाँ पर दोस्तों उसको पता था इससे बड़ा मजदूर पहले ही बैठा है यहाँ पे। तो यहाँ पर तो भी मैं इसको फटाफट से यहाँ पे फिनिश करता हूँ और भाई इसकी शील्ड भी उठाता हूँ और मेरी गन नहीं थी लैपटॉप उठाने की, तो यहाँ पर तो मैं सोचता हूँ क्या फेंकूँ भाई किससे लैपटॉप उठेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं अपनी गन को रिलोड मारता हूँ और भाई इतने में लैपटॉप उठ जाता है, और मैंने देखा था यार इसको किसने ना फायर करा था, तो मैंने कहा से मार रहा है इसको कहाँ से मार रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं झाका बाकी करता हूँ कहाँ है, तो भाई मेरे ऊपर भी फायर होता है। अब भाई मेरे कान के पास से शॉट जाते थे मेरी टट्टी निकल जाती है, फिर मैंने देखा कौन है भाई टट्टी वाला, तो यहाँ पर दोस्तों मैं देखता हूँ सही में भाई ये तो टट्टी वाला भाई लैटरिंग में बैठ के टट्टी कर रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे मैं इसको एक शॉट मारता हूँ तो भाई कच्चे में ही बाहर आ जाता है, तो मैंने कहा ले पट से हेडशॉट। तो यहाँ पर तो जैसे इसको मैं मारता हूँ तो एक और गाड़ी वाला मेरे को दिख जाता है, तो मैंने कहा ये क्या है भाई ये कौन है। तो यहाँ पर तो इसकी गाड़ी का पूरा पीछा करता हूँ और भाई ATAX लगा के पूरा चेक करता हूँ ये बंदा कहाँ जा रहा है। अब भाई वो बंदा जो है ना गाड़ी लाकर रोक देता है और भाई टांजर क्या बोला तूने और भाई टार्जन की तरह इधर उधर छलांग मार रहा होता है। ओ, 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 ओ मैं हूँ मोगली मैं हूँ टार्जन, मैंने कहा भाई क्या कर रहा है भाई एक जगह रुक जा पट से हेडशॉट मारना है। लेकिन भाई ये तो रुकता नहीं जैसे कि आप देखते हो भाई उछले जा रहा है ट्विंग, मैंने कहा अरे भैया रुक जा अरे भैया एक पट से हेडशॉट खा ले। तो यहाँ पे दोस्तों अब देखना बस ये कैसे रुकेगा और मैं इसके कैसे टकला फोड़ने वाला हूँ। अब पहला शॉट मारता हूँ और मेरा रिएक्शन ऐसा होता है असंभव असंभव पट से हेडशॉट, मैंने कहा भैया पहला शॉट मिस हो सकता है लेकिन दूसरा नहीं होगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं फटाफट से भाई फिनिश करता हूँ और जैसे कि दोस्तों मैंने आप लोगों को बोलता AWMM में बहुत ज्यादा तगड़ी गन है भाई, मतलब सोलो में मिल जाए तो भाई इससे अच्छी कोई गन ही नहीं है, मतलब ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों भाई उन लोगों को मारने के बाद उनका टकला कोला फोड़ने के बाद मैं देखता हूँ कि मजदूरों की फैक्ट्री से जोन निकल चुका है। तो मैंने कहा क्यों ना भाई यहाँ पे कोई फायदा नहीं रुकने का, भाई अपनी फटाफट से तसला उठाते हैं और यहाँ से दोस्तों धूम मचाते हुए निकल जाते हैं। लेकिन दोस्तों जाने से पहले मैं सोचता हूँ कि मरने से पहले आखिरी छह पूरी कर लेते हैं, एक कोरोना का टीका वीका लगा लेते हैं, क्या पता भाई लास्ट के जो बंदे बचे उनको कोरोना हो और मेरे को भी भाई उनसे कोरोना हो जाए। इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो मैं टीका लगाता हूँ और धूम मचाते हुए निकल जाता हूँ बंदे ढूंढने के लिए।
अब यहाँ पर दोस्तों जैसे मैं तस्ला लगाकर रोकता हूँ ना, तो यहाँ पर दोस्तों पहले से एक ऑरेंज वाली टैक्सी को ना भाई किसी ने पीट रखा होता है बहुत बुरी तरीके से, बेचारे के धुआं वो निकल गया होता है। तो मैंने कहा भाई कौन है, भाई कौन है आसपास, तो यहाँ पर मैं देख ही रहता हूँ और भाई सामने से मेरे को दोस्तों यहाँ पे फायर आते हैं, बस आप देखते जाना। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे मैंने देखा ना स्क्वाड हाउस के आसपास भाई फायर वायर हुआ है, तो मैं समझ गया था वहाँ पे, देखो आप देख सकते भाई तस्ला भी खड़ी थी किसी की, तो मैंने कहा यार वहाँ पे पक्का बंदा है। और मैं चेक करता हूँ कि भाई वो एक बार दिख जाए, क्योंकि मेरे पास थी AWMMM और आपको तो पता है भाई दिख गया तो बस टकला तो मैं फोड़ दूंगा। तो बस आप देखते जाना यहाँ पे मेरा टकला फूटता है या उसका फूटता है, बस आप देखते जाओ बहुत ज्यादा मजा आएगा। अब यहाँ पर तो मैंने सोचा भाई मैं ओपन में रहूंगा तो भाई वो मेरी छोटी रगड़ देगा, तो मैंने सोचा कि पीछे एक सरकारी ड्रॉप भी है तो लूट लू क्या। फिर मैंने कहा नहीं यार वो बंदा हाथ से निकल जाएगा और बस आप देखते जाना मैं उसकी कैसे पिटाई करने वाला हूँ। मेरे को दिख जाता है वो बंदा जैसे कि आप देखते हैं, तो मैंने कहा चलो भाई मैं भी लेटरिंग का कवर ओवर ले लेता हूँ थोड़ा सा और इस गेट के यहाँ से झाँकता हूँ और सही मौके पर उसको मारूंगा। तो बस आप देखते जाना मेरे को वो कैसे देखेगा और मैं क्या ही शॉट मारूंगा। और भाई अगर शॉट पसंद आ जाए ना तो भाई एक लाइक वीडियो पे कर देना। अब यहाँ पर उस बंदे ने बैठ के ना भाई अंदर बीड़ी चसा ली होती है, मतलब 500 का बंडल लेके भाई फूक रहा होता है। जैसे मैं मरने से पहले आखिरी इच्छा पूरी करता हूँ ना पेप्सी पी के, तो हो सकता है भाई वो बीड़ी बाज बंदा होगा तो भाई वो बीड़ी बीड़ी पीने लग जाता है बैठ के। मैंने कहा पी ले पी ले, आखिरी इच्छा पूरी कर ले, बीड़ी पी ले और फिर मैं तेरे को पट से हेडशॉट मार के ऊपर पहुंचाता हूँ और सीधा लॉबी में जाएगा तू। तो यहाँ पर दोस्तों भाई मैं वेट करता हूँ कब वो अपनी बीड़ी बीड़ी खत्म करे और कब मैं उसको मारूं, क्योंकि भाई वहाँ पे जो है ना उसकी फाइट हो रही होती है, मेरे को लग रहा था आसपास कोई और बंदा भी था। तो बस आप देखते जाना भाई बहुत हंसी का सीन है ये। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे वो भाई अपनी बीड़ी फिनिश करता है ना तो भाई वो छत पे आता है और अब देखो पट से हेडशॉट और भाई इसको स्लो मोशन में देखो एक बार भाई। क्या ही शॉट मारा भाई, वो जंप कर रहा था और भाई हवा में उसके हेडशॉट मार दिया भाई मैंने, तो भाई उसकी टट्टी निकल गई। कह रहा होगा अरे भैया ये कौन खिलाड़ा आदमी है भाई, हवा में उड़ा दिया। तो यहाँ पर दोस्तों भाई मैं फटाफट से उसको मारने के बाद वापस अपनी तसला उठाता हूँ, क्योंकि भाई वहाँ मेरे को पता था करंट फाइट हुई अभी, ठीक है कोई ना कोई बंदा वहाँ पे पक्का है। तो यहाँ पर दोस्तों भाई मैं फटाफट से मौका मिस नहीं करता हूँ और बस अब देखते जाना कि मैं लास्ट बंदे को कैसे मारूंगा। अब मुझे सामने देखो वो बंदा दिख गया था, वो सैम के बैठ गया था डर के मारे, भाई तसला लेके कौन आ रहा है। और देखो मैं निकालता हूँ AWM पट से, लेकिन भाई वो बच जाता है, मैंने कहा रुक और भाई इजी चिकन डिनर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे मेरे सब्सक्राइब कीजिए और हाँ जिसने मेरे को भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा भाई फटाफट से फॉलो कर लो, लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको मेरी लाइव स्ट्रीम देखनी है तो भाई उसका भी लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में आपको दे रखा है, वहाँ पे भी जाकर दोस्तों सपोर्ट कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि मैं वहाँ पे जो है डेली लाइव स्ट्रीम करता हूँ और आप आके ज्वाइन कर सको उसे। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।